एपी के स्कूल टांडा रोड जालंधर में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें प्री नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्रों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। इस मौके पर स्टॉप एंड प्ले जोन स्कूल की प्रिंसिपल मनिंदर जीत कौर और चेयरपर्सन सतेंद्र कौर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हाउस के चारों कप्तानों, प्रीफेक्ट्स और स्टूडेंट्स काउंसिल द्वारा मार्च पास्ट किया गया। इस दौरान छात्रों ने मार्शल आर्ट, योग, लीजियम, पीटी व्यायाम आदि विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया। तो वहीं प्री प्राइमरी विंग के नन्हे मुन्ने छात्रों के लिए बाल्टी में बॉल, कंगारू जंप, होम्पिंग रेस, जिगजग रेस, हंडल रेस जैसी विभिन्न गेम्स रखी गई, जिसमें छात्रों ने खूब जोश एवं उत्साह दिखाया। पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों द्वारा लेग रेस, सेक रेस, रिले रेस, शॉटपुट, ड्रिबल बॉल आदि गेम्स करवाई गई। इस दौरान स्कूल की समन्वयक दीप्ति कौशल तथा मुख्य अतिथि ने विभिन्न खेलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पदक देकर सम्मानित किया। अंत में स्कूल की समन्वयक दीप्ति कौशल ने विशेष अतिथियों का धन्यवाद किया और छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। Hello, I'm Manindrajit Kaur from Stop and Play Zone. Today we're here to celebrate Sports Day at APJ School. APJ School is a platform to celebrate these events like Sports Day and Talent Hunts. So basically, students also enjoy their events. Today at APJ School, Tanda Road, Jalandhar, we have organized annual Sports Day, wherein we have called Madam Manindar Kaur as the chief guest, as a special guest. She is the chairperson of the school. Today we have organized this event to inculcate the physical health activities in the students. Various sports activities have been organized, wherein various races for the students have been planned. Few of them are like hurdle race, hop race, sack race and flat race. And I congratulate all the students for their efforts, and I thank my chief guest of the day and the parents who have taken an initiative in preparing the students for the day. Thank you.